सीमा पर जैसे किसान संघों का दिल्ली तुच्छाला शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार अंबाला एसपी का घेराव मध्य प्रदेश समेत नौ राज्यों में भारी बारिश चलाने जारी 24 घंटे में यूपी में 6 कर्नाटक में 4 लोगों की गई जान नेपाल से सटे यूपी के 16 जिलों में बारिश से मचा हाहाकार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती समेत तीन नदियां डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी जवानों ने इलाके को घेरा शुरू किया तलाशी अभियान पुनर्गठित आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों में भी कोई बदलाव नहीं केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को दी है चुनौती मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार सचिव बोले दालों पर लाभ मार्जिन घटाएं खुदरा विक्रेता झारखंड बंगाल समेत कई राज्यों में मुहर्रम पर बढ़ाएगी सुरक्षा अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कन्वेंशन स्थल पर एक हमलावर ढेर AK-47 राइफल के साथ एक अन्य को किया गिरफ्तार सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई ईरान से मिली धमकियों के मद्देनजर लिया गया फैसला डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के मामले में सामने आई नई थ्योरी सुलेमानी के खात्मे का बदला था पेंसिल्वेनिया शूटआउट जो बाइडन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बोला हमला का ट्रंप का दौर अश्वेत अमेरिकियों के लिए थाग नरक दिल्ली पुलिस आयुक्त को अमेरिका की तरह अटैक की आशंका सीपी ने 15 अगस्त के मद्देनजर सतर्क रहने का दिया आदेश 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की बैठक आज कुछ मंत्रियों को भी बुलाया तैयारियों का लेंगे फीडबैक ओमान के तट पर तेल टैंकर पलटने से 16 सदस्य लापता चालक दल में 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई शामिल अफगानिस्तान में भारी तूफान से 35 लोगों की गई जान ओलावृष्टि के कारण 400 घर बर्बाद 230 लोग घायल बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन 3 छात्रों सहित 6 की मौत बंद करने पड़े स्कूल कॉलेज दूरसंचार कंपनियों के प्रति ग्राहक शीर्ष पर पहुंचेगी कमाई टैरिफ वृद्धि से पूंजी रिटर्न सुधारने में भी मिलेगी मदद निजी कंपनियों के कुछ पदों पर मिलेगा 100% आरक्षण कर्नाटक में कल विधेयक ला सकती है सिद्धारमैया सरकार से वार्ता के बाद जीटीवी में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म मरीज की हत्या के बाद अब 2 स्तरीय होगी सुरक्षा प्रणाली दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में त्वचा बैंक बनकर तैयार सितंबर में हो जाएगा शुरू कोई भी कर सकेगा दान अमेरिकी सेनेटर बॉब मेंडेज रिश्वतखोरी केस में दोषी करार पद का किया गलत इस्तेमाल विदेशी एजेंट के लगे थे आरोप मुकेश सैनी के पिता की हत्या में पुलिस का बड़ा खुलासा ब्याज पर लिए पैसों के लेन देन में वारदात को दिया अंजाम न्यूज पेपर लीक में सीबीआई ने 2 और क्यों किया गिरफ्तार पटना से पकड़े गए पंकज पर पेपर चुराने का लगाया आरोप बिहार के सारण के रसूलपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी 2 नाबालिग बेटी और पिता की हत्या की मांग गंभीर चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात केंद्रीय बजट में राज्य के लिए अधिक आवंटन की उठाई मांग बसपा के पूर्व विधायक पर ट्रायल कोर्ट का निर्णय खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कहा छोटे सिंह से केस वापस लेना जनहित में नहीं कटक अस्पताल में हाउस सर्जनों का काम बंद का ऐलान नर्सिंग स्टाफ से हुए टकराव के बाद आक्रोश में डॉक्टर अवैध खनन पर 4 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी 6 हफ्ते में दाखिल करें जवाब वरना भारी जुर्माने के लिए रहें तैयार जानवी गडकर पर चलाया जा सकता है हत्या का मामला नशे में गाड़ी चलाने के मामले में कोर्ट 1 अगस्त को करेगी सुनवाई सीएसआईआर की पहली महिला चीफ कलर सेल्वी को सेवा विस्तार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में 2022 में हुई थी नियुक्ति सिंचाई जल चोरी को रोकने के लिए कर्नाटक में बनेगा कानून डिप्टी सीएम रवि कुमार बोले ये बड़ी समस्या है देखा था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर संजय निरुपम का पुनर्वार बोले राजनीति शंकराचार्य का क्षेत्र नहीं इस पर ना बोले साहब के साथ हिंसा वाले बयान पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा कहा अमित मालवीय को बर्खास्त करे पार्टी और मांगे माफी तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों को दिया कर्ज माफी का तोहफा 18 जुलाई को किसानों को 1 लाख तक के ऋण जमा करेगी सरकार बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री ने हलवा सेरेमनी से की शुरुआत इस बार अपने मोबाइल पर हिंदी में पढ़ सकेंगे बजट की पूरी जानकारी घाटी में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर केंद्र पर बरसे ओवैसी का कहते थे घर में घुसकर मारेंगे फिर जम्मू में क्यों मारे जा रहे जवान विधानसभा में बोले जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना कहा मेरे बेटे ने गलत काम किया है तो उसे मिलने चाहिए फांसी मुख्यमंत्री और राजभवन विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश कहा राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न करें ममता बनर्जी आईएएस अधिकारी पूजा केडकर ने पुणे डीएम पर लगाया आरोप पुलिस में सुहास दिवसे के खिलाफ उत्पीड़न की दर्ज कराई शिकायत पूजा के विकलांगता सर्टिफिकेट में नियमों की अनदेखी 7% डिसेबिलिटी पर ही प्रमाण पत्र किया गया जारी पहली बार मणिपुर के रहने वाले जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिन एन कोटेश्वर और आर महादेवन की नियुक्ति को मंजूरी वाल्मीकि कारपोरेशन घोटाले पर विधानसभा में हंगामा विपक्ष ने कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया से मांगा इस्तीफा बुलेट ट्रेन के लिए कोलक नदी पर पुल तैयार आगे भी तेजी से चल रहा काम 2026 से होगी शुरू
बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बयान पर हिंदू संगठनों में उबाल। 21 जुलाई को किया था सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान। जेवर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। निशानदेही से 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का सराहनीय कार्य। नौकरी के नाम पर ठगने वाले गैंग की 4 महिला सहित 7 गिरफ्तार। सावन के 5वें सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार। इस बार काशी में अलग अलग रूप में भक्तों को देंगे दर्शन। गाजियाबाद में ब्लैकमेलिंग से परेशान सिपाही ने खुद को गोली मारी। सुसाइड नोट में लिखा 6 लाख देने के बाद भी युवती नहीं छोड़ रही थी पीछा। श्रीलंका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान संभव। हार्दिक सूर्या कप्तानी की रेस में गिल भी दावेदार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।